गाइस अगर बात करें बॉलीवुड की तो आजकल बॉलीवुड के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं और इस साल लगभग हर बॉलीवुड की फिल्म फ्लॉप हुई है। तो आज हम आपको बॉलीवुड की ऐसी ही 10 फ्लॉप मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं जो 2022 में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई, जिससे बॉलीवुड को करोड़ों का नुकसान हुआ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, लाल सिंह चड्ढा। गाइज आमिर खान की मूवी ना लाल सिंह चड्ढा रिलीज होने से पहले ही हिंदू धर्म के अपमान को लेकर बायकॉट की मांग को लेकर खबरों में रही और ये मूवी बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई, मतलब बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से। 180 करोड़ में बनी इस मूवी का कलेक्शन बेहद कम रहा। वहीं मूवी ने पहले 6 दिन में सिर्फ 50 करोड़ का आंकड़ा ही पार किया, जो कि आमिर खान की पॉपुलैरिटी के हिसाब से बहुत ही कम है। और इस मूवी में करीना कपूर खान भी आमिर खान के साथ लीड रोल में है, लेकिन उनका जादू भी इस फिल्म में नहीं चला। नंबर 9, बच्चन पांडे। गाइज अक्षय कुमार तो हमेशा बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बरसात करने वाले स्टार माने जाते हैं और उनकी स्टारर मूवी बच्चन पांडे 18 मार्च 2022 को रिलीज हुई और इस मूवी के डायरेक्टर साजिद नाडियाडवाला थे और 165 करोड़ रुपए के बजट में बनी ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। इस मूवी ने सिर्फ 50 करोड़ रुपए की ही कमाई की और इस मूवी के मेकर्स के 70% यानी कि 115 करोड़ रुपए डूब गए और ये फ्लॉप रही। वैसे तो अक्षय कुमार अपनी हर मूवी के लिए 100 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं, लेकिन इस मूवी के लिए उन्होंने सिर्फ 80 करोड़ रुपए ही चार्ज किए। नंबर 8, हीरोपंती 2। गाइस टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती 2 बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई बॉक्स ऑफिस पर। बुरी मतलब बहुत ज्यादा बुरी। इस मूवी को अहमद खान और साजिद नाडियाडवाला ने डायरेक्ट किया था। 85 करोड़ रुपए के बजट से बनी इस मूवी ने केवल 24 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। इस मूवी से मेकर्स को लगभग 72% का नुकसान हुआ, यानी कि लगभग 60 करोड़ रुपए पानी में डूब गए। टाइगर श्रॉफ ने तो इस मूवी के लिए 35 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। कई लोगों ने तो इस मूवी को सरदर्द और वाहियात तक बता दिया था यार। तो कई लोगों ने टाइगर श्रॉफ को एक्टिंग सीखने की सलाह दे डाली है। वैसे सलाह तो अच्छी है, वो माने तब तो। खैर आपको बता दें कि इस मूवी में नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी थे, वही एक स्टार थे जिनके लिए पब्लिक गई देखने, बाकी तो आप जानते हैं। नंबर 7, रनवे 34। गाइस बॉलीवुड की दुनिया में एक्शन हीरो के नाम से जाने जाने वाले अजय देवगन की रनवे 34 2022 में 29 अप्रैल को रिलीज हुई थी। इस मूवी में अजय देवगन को दमदार भूमिका में देखा गया। इतना ही नहीं, मूवी का डायरेक्शन भी अजय देवगन ने ही किया था, यानी कि पूरा का पूरा उनका ही प्रोडक्शन और उनका ही डायरेक्शन था। वहीं 65 करोड़ रुपए के बजट में बनी ये मूवी सिर्फ 29 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन कर पाई। मूवी मेकर्स को इससे लगभग 45% का नुकसान हुआ और इस मूवी में अजय देवगन के साथ अमिताभ बच्चन और रकुल प्रीत सिंह और आकांक्षा सिंह भी थी। नंबर 6, सम्राट पृथ्वीराज। गाइज आखिरी हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर बनी मूवी सम्राट पृथ्वीराज बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई जितना इसके मूवी मेकर्स को उम्मीद थी। गाइस जबरदस्त प्रमोशन किया गया, पॉलिटिक्स से लेकर आम आदमी तक हर जगह इसका प्रमोशन किया गया, करवाया भी गया। गाइस अक्षय कुमार और मिस इंडिया रही मानुषी चिल्लर हुआ संजय दत्त और सोनू सूद की मूवी सम्राट पृथ्वीराज 3 जून 2022 को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी। ये मूवी यशराज बैनर तले बनी थी और वहीं इस मूवी को 5000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था। साथ ही 200 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने सिर्फ 62.30 करोड़ का कलेक्शन किया। आपको बता दें गाइस कि मिस वर्ल्ड मानुषी चिल्लर ने इस मूवी से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। नंबर 5, बधाई हो। गाइस विवेक रंजन अग्निहोत्री के डायरेक्शन में बनी इस मूवी का बजट 45 करोड़ रुपए था और मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मात्र 20 करोड़ रुपए भी नहीं हो पाया। इस मूवी में भी मूवी मेकर्स को 45% का नुकसान हुआ। नंबर 4, जर्सी। गाइस कबीर सिंह याद है ना, क्या जबरदस्त हिट रही थी। कबीर सिंह के बाद शाहिद कपूर काफी फेमस हो गए थे। जर्सी में शाहिद कपूर लीड रोल में थे और इसीलिए दर्शकों को इस मूवी से काफी ज्यादा उम्मीद भी थी, लेकिन मूवी बॉक्स ऑफिस पर मात्र 20 करोड़ रुपए ही कमा पाई। मेकर्स को उम्मीद थी कि मूवी बढ़िया चलेगी, लेकिन ये तो औंधे मुंह गिर पड़ी, यानी कि फेल साबित हुई। शाहिद कपूर ने इस मूवी के लिए 31 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। नंबर 3, अटैक। गाइज ये मूवी लक्ष्यराज आनंद ने डायरेक्ट की थी। वैसे तो जॉन अब्राहम की ज्यादातर मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रहती हैं, लेकिन अटैक को दर्शकों ने ज्यादा पसंद ही नहीं किया। ये मूवी 65 करोड़ रुपए के बजट में बनी थी और इसने मात्र 18 करोड़ रुपए की कमाई की। जॉन ने इसके लिए 25 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। वहीं मेकर्स को इस मूवी पर 70% यानी कि 50 करोड़ रुपए गंवाने पड़े। नंबर 2, झुंड। गाइज अमिताभ बच्चन स्टारर झुंड 4 मार्च 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर नागराज मुंजले हैं। 30 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग सिर्फ 13 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। मूवी में कुछ यंगस्टर्स की कहानी है जिन्हें एक कोच गेम के द्वारा जीवन का मतलब समझाया जाता है और लफंगे से छुटकारा दिलाकर उनकी एक टीम बनाने की कोशिश करता है। मेकर्स को इस मूवी में 57% का नुकसान झेलना पड़ा। उसके बाद अमिताभ बच्चन ने अपनी आधी फीस मेकर्स को वापस कर दी थी। नंबर 1, गहराइयां। शायद
शकुन बत्रा के डायरेक्शन में बनी गहराइयां बहुत बड़ी फ्लॉप रही। मूवी के लीड स्टार कास्ट दीपिका पादुकोण, सिद्धार्थ चतुर्वेदी और अनन्या पांडे हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके अलावा अगर कोई मूवी हमसे छूट गई है तो कृपया उसका नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और जरा ये भी बताइए कि क्या वाकई में ये मूवी फ्लॉप होने लायक थी या फिर नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। और चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें।